हेलो, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और इस वीडियो में हम लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट देखेंगे स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट होता क्या है। तो लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट ये होता है कि कुछ भी कोई सी भी स्ट्रिंग है उनको एक दूसरे से कंपेयर करवाएंगे और उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसी अरेंजमेंट को हम लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ पर है। और ये जो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज मैंने पहले से ही लिख रखे हैं जो अरेंज्ड प्रॉपर है, तो इनको ही हम इनपुट में लेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट हमें निकालने के दो तरीके हैं, एक एरेस डॉट सॉर्ट मेथड से और एक कंपेयर टू मेथड से। तो एरेस डॉट सॉर्ट मेथड का तो हम यूज़ पहले पिछले कुछ प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, और कंपेयर टू मेथड के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कंपेयर टू मेथड में क्या होता है कि ये स्ट्रिंग में एक पहले से ही प्री डिफाइंड मेथड है जो क्या यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करती है, यूनिकोड वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करती है। अब यूनिकोड वैल्यू क्या होती है? तो हर एक कैरेक्टर की जावा में एक अलग से उसकी खुद की यूनिकोड वैल्यू पहले से ही डिफाइंड है, तो वो यूनिकोड वैल्यू दोनों का डिफरेंस रिटर्न करती है, ये कंपेयर टू मेथड। अब किस बेसिस पर डिफरेंस रिटर्न करेगी? तो उसकी तीन कंडीशंस है। यदि फर्स्ट स्ट्रिंग S1 सेकेंड स्ट्रिंग S2 से बड़ी है तो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगी, यदि S1 छोटी है S2 से तो नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करेगी, और यदि दोनों बराबर है तो ज़ीरो रिटर्न करेगी। अब जैसे मैंने साइड में एग्जांपल लिखे हुए हैं कि B बड़ा है तो पॉजिटिव रिटर्न करेगी, A छोटा है तो नेगेटिव रिटर्न करेगी। ठीक है, अब हम प्रोग्राम पे आते हैं। तो मैंने स्कैनर तक तो बना ही लिया प्रोग्राम, उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेना है कि आपको कितने स्ट्रिंग इंसर्ट करवाना है, कितने अरेंज करवाना है, तो आप इनपुट दीजिए। तो यूज़र से इनपुट ले लेंगे हम एंड में, ऐसे डॉट डॉट नेक्स्ट इंट आई जे वेरिएबल्स भी हम डिक्लेयर कर दिए हमने लूप के लिए, तो यहाँ पर नहीं करते फिर। तो लूप कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक यूज़र चाहता है, एन तक, एन से एक छोटा, वो ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। और हमें एक स्ट्रिंग एरे भी बनाना होगा कि हमें इनपुट करवाना है यूज़र से स्ट्रिंग, तो उसका एरे बना लेते हैं पहले। और एरे की लेंथ हम यूज़र से ले चुके हैं कि कितने इनपुट करवाने हैं, तो वही हमें लेंथ रख देते हैं। और अब ये एरे में पूरा इंसर्ट करवा लेते हैं, जितने भी स्ट्रिंग्स उसने इंसर्ट करी है वो सब इनपुट करवा लेते हैं एसी डॉट नेक्स्ट से। अब हमारा जो मेन लॉजिक है वो ये है कि हम नेस्टेड लूप का यूज़ करने वाले हैं। नेस्टेड लूप के थ्रू हम निकालेंगे कि जो भी अरेंजमेंट प्रॉपर है वो कैसे आएगा प्रोग्राम में, देखते हैं। तो पहले फॉर लूप चला लिया है, स्टार्ट कर दिया है, अब उसी के अंदर एक और फॉर लूप लगा देते हैं हम, लेकिन ये इनर फॉर लूप की ये खासियत ये है कि हम इसको i+1 से चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो i+1 मतलब जैसे i की वैल्यू आए 0 तो इसकी वैल्यू होगी 1, i
आई की वैल्यू होगी 3, तो इसकी वैल्यू होगी आई प्लस 1 मतलब 4, 4 से स्टार्ट करेगा ये। जस्ट एक एलिमेंट आगे से वो ट्रेस होना स्टार्ट करेगा ऐसा। और यहाँ पर हम हमारी कंपेयर टू मेथड लगा देते हैं। कंपेयर टू मेथड की मैंने वर्किंग आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को कंपेयर करवा लेते हैं इसके थ्रू। और यदि ज़ीरो से बड़ी हुई, तो ज़ीरो से बड़ी हुई का मतलब ये है कि जो ए ऑफ आई जो है वो पहले है मतलब पॉजिटिव रिटर्न कर रही है, तो इसका मतलब वो बड़ी है तो उसे आगे नहीं पीछे होना चाहिए। और वो ए ऑफ जे है वो छोटी है तो उसे आगे होना चाहिए। बड़ी छोटी से मतलब, बड़ी मतलब समझिए जेड और छोटी छोटा मतलब समझिए ए। तो ए को आगे लाना है और जेड को पीछे करना है। तो ये हम स्वैपिंग के थ्रू करेंगे। तो हमने एक टेम्प्ररी वेरिएबल लिया है और उसमें नल स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पर हम जो ए ऑफ आई है वो टेम्प में डाल रहे हैं और ए ऑफ जे में ए ऑफ आई टेम्प में डाल दिया है। और ए ऑफ आई अब खाली हो चुका है तो उसमें हम ए ऑफ जे डाल देंगे। अब ए ऑफ जे में कुछ नहीं है समझिए, तो अब उसमें हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। अब टेम्प में कुछ नहीं है और दोनों आपस में स्वैप हो चुके हैं। तो यही स्वैपिंग का हमने नॉर्मल लॉजिक लगाया है यहाँ पर। अब इसकी वर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी छोटी छोटी वैल्यू आई वो अपने आप ये वाले प्रोसीजर के थ्रू आगे होती जाएगी और जो बड़ी बड़ी वैल्यू है वो लास्ट में जाती जाएगी। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अब ख़त्म होने पर आ गया है। बस हमें सिर्फ प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवा लेते हैं ए ऑफ आई लूप के थ्रू। लिख देते हैं हमारा आंसर। रन करके देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें इनपुट देना है कि कितने हम स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, इनपुट कितने स्ट्रिंग देने हुए हैं। तो मैंने 4 इंसर्ट करा और अब 4 इनपुट करता हूँ मैं स्ट्रिंग एप्पल ग्रेप्स बनाना और मैंगो। तो हमारा आंसर आया एप्पल बनाना ग्रेप्स और मैंगो। तो ये प्रॉपर हमारे प्रोग्राम ने अरेंज कर दिया उसको लेक्सिकोग्राफिकली अरेंजमेंट कहते हैं इसे। और हम ट्राई करके देख लेते हैं, थोड़े और टेस्ट केसेस चला के देख लेते हैं। तो 3 है मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज। तो ग्रेप्स में जी पहले आएगा, एम उसके बाद और फिर उसके बाद ओ। और थोड़े इनपुट टेस्ट केसेस देख लेते हैं। और ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कैपिटल ए की जो यूनिकोड वैल्यू है वो 65 रहती है और स्मॉल ए की 97 रहती है। तो जो कैपिटल है वो ये यूनिकोड वैल्यू के बेसिस पर छोटा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है ए बी सी टी 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 जेड जेड जेड, नॉर्मल रैंडम इनपुट लिया है। अब वो वाला डाउट भी आपको होगा वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का, तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। रुद्र लेते हैं एक स्मॉल लेटर, अब हमें आर स्मॉल लेते हैं और रुद्र लेते हैं और एक इनपुट कुछ भी प्रताप ले लेते हैं। तो जो कैपिटल लेटर है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू प्रताप का स्मॉल पी और स्मॉल आर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।